हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल क्लास वन के बारे में, जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि साइंस सेक्शन एक तरीके से आप बोल सकते हैं, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्जाम आपका एचपी पीएससी लेने वाला है, तो साइंस सेक्शन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में उसी को ही डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, अभी तक अगर आपने जो है हमारा कांस्टेबल बैच 2024 को ज्वाइन नहीं किया है, तो अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हो तो बेस्ट मौका है आपके पास। घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, क्वालिटी पीडीएफ, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज शॉर्ट प्लस फुल, टेलीग्राम ग्रुप आपको सेपरेट मिलता है पेड मेंबर्स को, लाइव क्लासेस होती हैं जैसे ही आपके एक दो महीने रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। और रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए मिलती है क्योंकि सभी का टाइम शेड्यूल अलग अलग होता है, तो जब चाहे बंदा जो है वो देख सकता है। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पर आपके जो है वो सारी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, अभी हमारा जो बैच चला था हाई कोर्ट का, उसमें से भी बच्चों ने क्वालिफाई किया था, वो सारी चीजें हम टेलीग्राम पर शेयर करते रहते हैं। ऑफर प्राइस जो है वो 1499 है, बट आपको जो है वो 999 पे करना है, वहां पर आप जाकर जो है वो कूपन कोड आपको मिल जाएगा। वैलिडिटी 6 मंथ की है, ठीक है, बट अगर एग्जाम नहीं होता है 6 मंथ में तो उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, बट एग्जाम जो है वो 6 मंथ में हो जाएगा, क्योंकि एचपीपीएससी को जो है वो पूरा फॉर्मेट भेज दिया गया है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक है, वहां से जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और पेड कोर्सेज में जाकर जो है वो इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट करके जरूर आंसर देना है कि द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज, ठीक है, जो आपके चमगादड़ होते हैं आपने देखा होगा, चमगादड़ जो है वो रात को उड़ते हैं, तो उसका रीजन क्या है कि वो अंधेरे में जो है वो उड़ पाते हैं, कि जो है वो ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं डार्कनेस में। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन, या फिर तीसरा ऑप्शन, फ्लैश लाइट्स जो है वो ऑन करते हैं, मतलब कि जनरेट करते हैं, या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो जनरेट करते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, एक एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इसको जो है वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करना है, इसका कमेंट करना है और फिर आगे वीडियो को देखना है। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे ही जो है वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज, जो कनकेव लेंस होता है, ठीक है, वो एक ऐसी इमेज, कैसी इमेज जो है वो फॉर्म करता है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, कनकेव लेंस को अगर हम हिंदी में बात करें तो बोलते हैं अवतल लेंस। मैं हमेशा बोलूंगा कि आप जब भी साइंस की तैयारी करें तो इंग्लिश में करें, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती है जो बहुत टफ होती है। तो कनकेव लेंस को हिंदी में अवतल दर्पण बोलते हैं। उत्तल और अवतल आपको पता ही होगा, कन्वेक्स जो है वो आपका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है जी, और कनकेव जो है वो आपका अवतल दर्पण होता है। कनकेव की पहचान क्या है कि इसकी जो साइड्स होती हैं वो मोटी होती हैं, ठीक है जी, और जो बीच का एरिया होता है वो पतला होता है, और अपोजिट में कन्वेक्स की साइड्स पतली होती है, बीच का एरिया मोटा होता है, ये इनकी दोनों की पहचान होती है। बट हम बात कर रहे हैं कनकेव लेंस के बारे में। कनकेव लेंस से जो इमेज बनती है, जो पिक्चर बनती है, वो कैसी होती है, वो आपकी वर्चुअल और इरेक्ट होती है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही होगा, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। आपको डायरेक्टली याद रखना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि अगर आपको आता है कि कनकेव लेंस से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट तो आपकी भाई वर्चुअल बनती है, और सेकंड कौन सी बनती है, वो बनती है आपकी इरेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया। अच्छा, कई बार जो है वो कनकेव लेंसेज के यूजेस पूछ लिए जाते हैं कि कनकेव यानी कि आपका अवतल जो दर्पण होता है उसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है, बाइनोकुलर्स यानी कि जो आपकी दूरबीन होती है वहां पर होता है, टेलीस्कोप्स जो होते हैं वहां पर भी आपको जो है वो कनकेव लेंस देखने को मिलेगा, जितने भी आपके लेजर डिवाइसेस होते हैं वहां पर आपको कनकेव लेंस देखने को मिलेगा, जो आपके स्पाई होल्स होते हैं आपने देखा होगा, दरवाजे होते हैं, दरवाजों में आपके सुराख से बने होते हैं जिससे आप बाहर देख सकते हो, उसमें भी आपके जो है वो कनकेव लेंस होते हैं। ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि आई ग्लासेस में जो है वो यूज किए जाते हैं, जिनको मायोपिया की प्रॉब्लम होती है उनको जो चश्मे लगते हैं, ठीक है, जो ग्लासेस लगते हैं, ठीक है, आई ग्लासेस, उसमें कौन सा लेंस यूज होता है, उसमें आपका कनकेव लेंस जो है वो यूज होता है, ठीक है। फिर आपके डिजिटल कैमरा हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, फ्लैश लाइट्स होगी, इमरजेंसी लाइट्स होगी, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि इमरजेंसी लाइट्स में जो है वो कौन सा लेंस यूज किया जाता है, और उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास, ये भी आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इन सभी में कौन सा लेंस यूज होता है, इन सभी में आपका कनकेव लेंस जो है वो यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, द विटामिन, कौन सा विटामिन है जिसको कोबाल्ट की जरूरत होती है एक्टिविटी के लिए। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन B12, डी, B2 या फिर ए, ठीक है। आप इस वीडियो को चाहे YouTube पर देख रहे हो या फिर कोर्स में देख रहे हो, क्योंकि दोनों में ये सेम वीडियो है, ठीक है, तो
तो आपको दोनों को कमेंट करके बताना है जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जितने बच्चे कोर्स में है इसके साथ साथ जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो यूट्यूब के नीचे कमेंट करेंगे, जिन्होंने कोर्स परचेज किया है वो कोर्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो कौन सा विटामिन है जिसको कोबाल्ट जरूरी होता है इसकी एक्टिविटी के लिए, तो इसका आंसर है विटामिन बी12। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया भाई जो आपसे पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विटामिन बी12 का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो कोबालामिन जो है वो इसको बोला जाता है, याद रखिएगा विटामिन बी12 का जो है वो दूसरा नाम है कोबालामिन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक और पूछा जा सकता है कि कौन से में सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल है या फैट सोल्यूबल है, तो याद रखिएगा वाटर सोल्यूबल, ठीक है, कि पानी में घुलनशील जो है वो आपका ये विटामिन होता है। तो विटामिन बी12 के बारे में याद रखिएगा, पहला क्या कि एक तो इसको कोबाल्ट एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है, सेकंड इसका नेम क्या है भाई कोबालामिन, ठीक है, कोबालामिन जो है वो इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तीसरा क्या है कि ये जो है वो वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। तो ये तीन पॉइंट आपको विटामिन बी12 से जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट आपका वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ टियर गैस, ठीक है। टियर गैस के बारे में आपने सभी ने सुना ही होगा कि जब आपने ज्यादातर देखा होगा कि जब भीड़ वगैरह होती है, ठीक है, तो उसमें जो है वो टियर गैस का यूज किया जाता है जिससे आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उसका कंस्टिट्यूएंट है, या मतलब कि उससे मिलकर बना होता है, ठीक है, मतलब कि ये कंस्टिट्यूएंट से आपकी टियर गैस जो है वो बनती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन जो है वो आपका एक कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, टियर गैस का, ये आपको याद रखना है। और कौन कौन से है भाई, क्लोरोपिक्रीन तो मैंने आपको बता दिया, डाइबेंज है, ठीक है, उसके अलावा क्लोरोएसिटोफिनोन जो है वो आपका यहाँ पर होता है, ऑक्साजिपिन जो है वो यहाँ पर होता है, और इसके अलावा ओ क्लोरोबेंजाइलिडीन मेलेनोनाइट्राइल जो है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। ये पूरा बहुत बड़ा नाम है, अच्छा जो तो साइंस बैकग्राउंड के हैं, इंग्लिश से किया हुआ है उनको तो आसान है, ठीक है, बट जिन्होंने नहीं किया उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप सीधा ओ क्लोरो भी याद रख सकते हैं, ठीक है, ओ क्लोरो, अच्छा ओ क्लोरोबेंजाइलिडीन मेलेनोनाइट्राइल जो है वो आपका यहाँ पर क्या माना जाता है, एक्टिव एजेंट माना जाता है, कि ये एक्टिव एजेंट है किसका, आपका टियर गैस का। तो अगर एक्टिव एजेंट पूछा जाए तो आपका ये ओ वाला आंसर सही होगा, बट अगर आपका कंस्टिट्यूएंट पूछ लिया जाए तो क्लोरोपिक्रीन के अलावा ये भी आपके कंस्टिट्यूएंट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये आपको यहां पर याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोटिक सेल की वो किससे मिलकर बनी होती है। अब इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो इस क्वेश्चन को ऐड कर दिया है। तो इसका सिंपल सिंपल सा याद रखिएगा, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, लिपिड से याद रखिएगा, फॉस्फोलिपिड जो है वो इसका सही आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड पावर प्लांट ऑफ द सेल, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पावर हाउस भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर आप बोल लीजिए पावर प्लांट, ठीक है, पावर प्लांट, पावर प्लांट, जैसे आपका मेडिसिनल प्लांट होता है, यहाँ पर प्लांट से मतलब जो है वो पौधे से नहीं है, यहाँ पर प्लांट से मतलब है कोई एक जगह, ठीक है, प्लांट कोई लगाया गया है, इंडस्ट्रीज टाइप को बोलते हैं। तो पावर हाउस बोल लीजिए, पावर प्लांट बोल लीजिए, ठीक है जी। किसी सेल का पावर प्लांट जो है वो किसको कहा जाता है, मुझे पता है मैक्सिमम कोई आंसर पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर प्लांट, मतलब पावर प्लांट या फिर पावर हाउस जो है वो माना जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे एक सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर में एक चीज याद रखिएगा, सबसे बाहर होती है आपकी सेल वॉल पूछी जाती है, फिर आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, और यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये आपका जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। अच्छा कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या सेल में जो है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियस जो है वो आपका प्रेजेंट होता है। अच्छा अगर ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है इसको जूम करें तो इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है। अब इसमें भी आपके फर्दर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन सी चीजें होती है, तो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये याद रखिएगा, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन होगी, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, कि भाई ये आउटर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इनर स्ट्रक्चर है। मैट्रिक्स, ये पूछा जा सकता है कि मैट्रिक्स जो है वो किसमें आपका होता है सेल में, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और क्रिस्टिये ये भी आपका यहाँ पर ही प्रेजेंट होता है, तो ये थोड़ा थोड़ा आप याद रखिएगा। बाकी पावर हाउस किसको बोलते हैं, पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है केमिकल नेम क्या होता है विनेगर का, विनेगर आप लोगों ने सभी ने यूज किया होगा, सिरका जिसको बोलते हैं, तो इसका पूछा गया है केमिकल नेम जो है वो क्या होता है, सिट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्यूरिक एसिड, पाइरुविक एसिड या फिर मैलिक एसिड, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका
एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर का केमिकल नेम होता है, कई बार फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो CH3COH जो है वो इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सी जो है वो एक हैवी वाटर की प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे पहले याद रखिएगा हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O। ये कई बार डायरेक्टली पूछा गया है प्रीवियस ईयर में भी कि किसको निम्नलिखित में से हैवी वाटर बोलते हैं, तो ऑप्शन में होता है D2O। तो D2O जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यहाँ पर मैंने लिखा है ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है वो आपका हैवी वाटर होता है। अब इनमें से पूछा गया है कि कौन सी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, विशेषता नहीं है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ हैवी वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, कि जो सिंपल पानी होता है तो जो हैवी वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होता है, ठीक है जी। तो यही स्टेटमेंट आपको जो है वो याद रखनी है, ज्यादा स्टेटमेंट है पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस पर पानी उबलता है, ठीक है, उबलता है पानी, तो उस बॉइलिंग पॉइंट जो हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस लेस होता है किससे, ऑर्डिनरी वाटर से। जो आपका सिंपल पानी होगा वो लेट बॉइल होगा, ठीक है जी, और जो आपका हैवी वाटर होगा वो आपका जल्दी बॉइल होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और D2O जो है वो इसका फॉर्मूला है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये आपको याद रखना हैवी वाटर का, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कौन से प्रोसेस में जो नीचे प्रोसेस दिए गए इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। सीधा सीधा तौर पर याद रखिएगा रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन प्रोसेस जो होता है उसमें आपकी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल लिविंग इन द ट्री ट्रंक्स आर नोन एज, जो भी एनिमल जो है वो ट्री ट्रंक्स पे, आप इसको जो है वो तना बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, ट्रंक तो जो होता है तना होता है, तो जो आपके पेड़ के तने पर रहते हैं उन एनिमल्स को क्या बोला जाता है, ठीक है, एर्बोरियल, वोलेंट, एम्फीबियन या एम्फीबियस या फिर इक्वेटिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट एर्बोरियल, ठीक है। एर्बोरियल वो एनिमल्स होते हैं, यहाँ पर मैंने इमेज भी ऐड की है, देख सकते हैं आप, जो कि पेड़ के तनों पर रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एनिमल मिल जाएंगे आपको, आप जानते भी होंगे। वोलेंट कौन से एनिमल होते हैं, वोलेंट एनिमल वो एनिमल को बोला जाता है जो फ्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे बर्ड्स वगैरह आपके होते हैं ना, वो जनरली कैटेगरी में आते हैं वोलेंट की। एम्फीबियन क्या होते हैं, कि जो लैंड प्लस आपका वाटर, जिनको भाई आपका जैसे फ्रॉग हो गया, ठीक है, जो आपका मेंढक होता है, लैंड पर भी रहता है, ठीक है, और उसके अलावा वो वाटर में भी रहता है। इक्वेटिक कौन से हो गए, जो सिर्फ वाटर के होते हैं, ठीक है, तो इक्वेटिक आपके वाटर वाले हो गए, एम्फीबियन आपके लैंड प्लस वाटर दोनों वाले हो गए, वोलेंट आपके फ्लाई वाले, और एर्बोरियल जो आपके ट्रंक पे रहते हैं यानी कि पेड़ के तने पर रहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है एक सीधी दिशा में, ठीक है। हीट मतलब आपकी जो गर्मी होती है, हीट ट्रांसफर हो रही है हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, कि अगर आपके एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो आपकी गर्मी है या हीट है वो हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, एडवेक्शन, ठीक है, एडवेक्शन जो है वो उसको जनरली बोला जाता है। यहाँ पर मैं एक आपको चार्ट दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखोगे एडवेक्शन जो है वो इस तरीके से, ये आपका बिल्कुल सरफेस है अर्थ का, और इस तरीके से जो है वो आपका डायरेक्शन में आपकी विंड के साथ जो है वो हीट की ट्रांसफर हो रही है। कंडक्शन क्या होती है, कंडक्शन जब आपका सरफेस जो होता है उसका बिल्कुल टच वाला पार्ट, उसका जो आपकी बिल्कुल टच वाला एटमॉस्फेयर होता है वो गर्म होता है। कन्वेक्शन आपने देख लिया होगा, ठीक है, एक्सपेंड होती है एयर ऊपर की तरफ, तो ये आपको सारे जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब किसी चीज को एब्जॉर्ब किया जाता है, बट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था कि भाई अगर हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर हो रही है तो उसको एडवेक्शन जो है वो बोला जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, नॉइस किस में मेजर की जाती है, तो नॉइस मेजर की जाती है आपकी डेसिबल में, ठीक है। ये मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग जगह पर जो है ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट चेंज विल हैपन टू अ बो ऑफ आइस एंड वाटर केप्ट एट एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कि आपका कोई भी मान लीजिए एक डब्बा टाइप है जिसमें आपने बर्फ और पानी को एक साथ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा है, तो आपको क्या चेंजेस उसमें देखने को मिलेंगे, क्या आइस मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, या ऑल वाटर बिकम आइस, सारा वाटर जो है वो आइस बन जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, या फिर थोड़ी ही आइस जो है वो मेल्ट होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नो चेंज विल हैपन, कोई भी चेंज आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। टेम्परेचर याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड, ठीक है, जब भी आपने देखा होगा कोई नक्शा बनाया जाता है, ठीक है, तो उसकी जो आर्ट एंड साइंस होती है कि मई नक्शा बनाने की जो कला होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका कार्टोग्राफी,
याद रखिएगा, जो आपका कार्टोग्राफी होती है ठीक है, वो क्या होती है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ मैप मैपिंग, मैप मेकिंग की जो साइंस होती है उसको कार्टोग्राफी जो है वो जनरली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद रखना है कि जो सिल्वर हैलाइड्स होते हैं वो आपका फोटोग्राफिक प्लेट्स में यूज किए जाते हैं, क्यों? सबसे पहला तो आपको यही याद रखना है कि जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती है उसमें क्या यूज किया जाता है, तो सिल्वर हैलाइड्स जो है वो उसमें यूज किए जाते हैं। और क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि रिड्यूस्ड हो जाते हैं वो लाइट के द्वारा, या फिर ऑप्शन में आ सकता है वो फोटोजेनिक होते हैं, ठीक है, ये भी आपको ऑप्शन में आ सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रा इथाइल लेड, जिसको TEL भी बोला जाता है, वो क्या है? ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड, तो टेट्रा इथाइल लेड एक जो है वो एंटी नॉक कंपाउंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, एंटी नॉक कंपाउंड आपका टेट्रा इथाइल लेड होता है। अब ये एंटी नॉक क्या होता है, कंपाउंड या एजेंट बोल लीजिए, एन एंटी नॉक एजेंट इज अ गैसोलीन एडिटिव यूज्ड टू रिड्यूस इंजन नॉकिंग, ठीक है जी, इंजन नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए जो है वो जनरली एंटी नॉक एजेंट यूज किया जाता है, ठीक है, और जो फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग होती है उसको जो है वो इंक्रीज करता है, तो ये आपको जो है वो यहाँ पर याद रखना है। और सबसे पहले याद रखना है कि TEL जो है वो क्या होता है, वो आपका एंटी नॉक कंपाउंड होता है, ठीक है जी। क्यूरी पॉइंट जो है कौन सा टेम्परेचर है, ठीक है, मतलब क्यूरी पॉइंट बोला जाता है, टेम्परेचर के एक पॉइंट को बोला जाता है क्यूरी पॉइंट, वो कौन सा होता है? जब जो मैटर होता है वो रेडियो एक्टिव बन जाता है, जब मेटल जो है वो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर लेती है, या फिर एक मेटल जो है वो कंडक्टिविटी लूज कर लेता है, या फिर ट्रांसमुलेशन हो जाती है मेटल की, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मेटल लूसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जब कोई भी मेटल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देती है, तो उस पॉइंट को, मतलब कोई टेम्परेचर ऐसा आया है जिस टेम्परेचर पर एक मेटल ने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर दिया है, तो उसको जो है वो आपका क्यूरी पॉइंट जो है वो यहाँ पर बोला जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, द आइसोटोप्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है? यहाँ पर यू का मतलब है यूरेनियम, याद रखिएगा, यूरेनियम 235, 238, 234 या 236, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 235, ठीक है, यू 235, 235 जो है वो एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए जो है वो यूज किया जाता है। अब अगर यहाँ पर यूरेनियम की यूजेस आप देखोगे तो न्यूक्लियर एनर्जी में यूज होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज होता है, रेडियो मेट्रिक डेटिंग में यूज होता है, फूड प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल एक्सरेज में यूज किया जाता है, मटेरियल साइंस में यूज किया जाता है, और कैटालिसिस में जो है वो यूज किया जाता है। इतने सारे बेनिफिट आपको जो है वो यूरेनियम के देखने को मिल जाएंगे। और यू 235 की जहां पर बात हो रही है तो एटॉमिक एनर्जी की प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए, वीडियो आपके लिए बनती है, मेहनत से बनती है, तो लाइक एंड शेयर आपका एक बनता है, ठीक है, और कमेंट करके भी आप साथ साथ बता सकते हो कि कैसी आपको जो है वो वीडियो लगी और किस तरीके की ये वीडियो लगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो पूछा है उतना ही कमेंट कर दो, वो भी बहुत है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो भाई बहुत इजी है और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया है कि लेड पेंसिल्स में कौन सा जो है वो मटेरियल यूज किया जाता है, बहुत इजी है आंसर, ग्रेफाइट जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड टू अ पर्सन हु रिसीव्स द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड, ठीक है, एक कोई आदमी है और उसको जो है वो गलत ब्लड मिल जाता है, गलत खून मिल जाता है, तो फिर क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा उस चीज का, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड, RBCs agglutinin, ठीक है, agglutinate, ठीक है, agglutinate का मतलब होता है जमना, कि जो आपके RBCs होंगे वो agglutinate हो जाएंगे, यानी कि जम जाएंगे, एक तरीके से ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप बनाएंगे तो फिर एक होता नहीं आपका जैसे थक्का जम जाता है, जिसको बोलते हैं थक्का जम जाना, ठीक है, उस टाइप का आपके ब्लड क्लॉटिंग टाइप जो है वो, क्लॉटिंग सही वर्ड होगा इसके लिए, क्लॉटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो आरबीसीज क्या होगे, एग्लूटिनेट यहां पर जो है वो हो जाएंगे अगर आपका ब्लड जो है वो गलत हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में मैंने देखे कि ओ जो है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, कई बार आ जाता है आपके पास कौन सा ब्लड जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप, तो ओ जो है वो आपका यूनिवर्सल डोनर है, जो आपका खून ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी और ए बी को, ए ब्लड ग्रुप वाले किसको दे सकते हैं, ए को दे सकते हैं और इसके साथ साथ जो है वो ए बी को दे सकते हैं, ठीक है जी, बी वाले किसको दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं और ए बी को दे सकते हैं, ए बी वाले सिर्फ ए बी को दे सकते हैं, बट रिसीव जो है वो सबसे कर सकते हैं, मतलब ए और बी दोनों से कर सकते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा आप जो है वो याद रख सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अभी ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। इफ ऑल बुलेट्स कुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम गन शॉट इंजरी ऑफ अ मैन, किसी आदमी को आपने गोली मार दी, ठीक है,
और उसको जो बुलेट लगी थी वो जो है वो रिमूव नहीं की गई, ठीक है। किसी को बुलेट लग जाती है वो रिमूव नहीं की जाती है, तो जो पॉइजनिंग कॉज होगी वो कौन सी होगी, मर्करी की होगी, लेड की होगी, आयरन की होगी या फिर आर्सेनिक की होगी। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, जब पढ़ा नहीं होता कि आयरन लगा देंगे, गोली तो शायद से लोहे से बनती है तो भाई लोहे की लगा देंगे, ठीक है। तो ये गलत आंसर होगा, जो पॉइजनिंग कॉज होगी वो होगी आपकी आर्सेनिक की। तो ये आप हमेशा से याद रखिएगा, बुलेट अगर रिमेनिंग रह जाती है उससे जो पॉइजनिंग कॉज होती है वो आर्सेनिक की पॉइजनिंग होती है। रिंगवॉर्म इज अ डिजीज, ठीक है, डैश डिजीज, जो रिंगवॉर्म डिजीज होती है, रिंगवॉर्म में डिजीज दिखा देता हूँ, इस टाइप की देखा होगा आपने, दांत खाज खुजली, ठीक है। तो वो कौन सी डिजीज होती है, बैक्टीरियल होती है, प्रोटोजोअल होती है, वायरल होती है या फिर फंगल होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फंगल, फंगल डिजीज जो है वो आपकी रिंग वॉर्म जो है वो जानी जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है आपका वो कहां पर होता है, वो हार्ट के बेस में होता है, ठीक है, वो ब्रेन के बेस में होता है, नेक में होता है या एब्डोमेन में होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ब्रेन, ठीक है, द बेस ऑफ द ब्रेन, जो आपका ब्रेन होता है उसका जो बेस होता है उसमें आपको पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपका देखने को मिलेगा। एक मैं इमेज आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है, वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर आप देखोगे पूरा ब्रेन है और यहाँ पर आपको जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड आपका देखने को मिलेगा, ठीक है जी। एक मटर का दाना होता है ना जितना, उतना जो है वो आपका ये ग्लैंड होता है। तो आई होप आपको जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। सेरिब्रम जो है वो आपका फ्रंट जो ऊपर माइंड होता है उसको बोला जाता है, और सेरिबेलम जो है वो पीछे का जो है वो आपको दिमाग जो होता है उसको बोला जाता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, ये आपको अगर साइंस की वीडियो पसंद आई होगी तो और वीडियोज के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है, और ऐसी ही वीडियोज हम क्लास टू में जो है वो आपकी जो है वो रीजनिंग की डिस्कस करेंगे, इसके अलावा और भी इंग्लिश वगैरह की क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जो कोर्स वाले हैं, ठीक है, उनको तो मटेरियल मिलता रहेगा, आज भी क्लासेस जो है वो मैथ की अपलोड हुई है, और भी क्लासेस आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।